हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लाई हूँ यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग, जो कि सीरीज चल रही है और ये सीरीज कंटिन्यू चलेगी। और ये 2022 का क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है, हिंदी का क्वेश्चन होगा, हिंदी मीडियम में। और प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन होंगे स्टेप बाय स्टेप, GS 1 2 3 4 के। तो डेली ये आएंगे आंसर, जो आपको एक मॉडल बताएंगे कि हाँ कैसे सॉल्व करते हैं। और ये सारे क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर के हैं, जिससे आपको पता चलेगा यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, पेपर थर्ड है और सामान्य अध्ययन सेकेंड पेपर है। पेपर थर्ड इसलिए क्योंकि पहला पेपर जो होता है ऐसे का होता है, सेकेंड पेपर जो होता है वो मतलब पेपर के हिसाब से, बाकी आप समझिए GS 2 है। तो शासन इसमें यूनिट सेकेंड है, GS 2 पेपर है। शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो इससे रिलेटेड है। और क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक कानून की सर्वोच्च महत्वपूर्ण संस्था सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रभावितों का संविधान है। तो यहाँ पर इंग्लिश में दिया है, अगर आपको ये ना सुनना है तो यहाँ इंग्लिश दिया है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ मॉडर्न लॉ इन इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लुएंस्ड बाई द सुप्रीम कोर्ट। 150 वर्ड में लिखना है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ज्यादा वर्ड नहीं होते हैं और इसी में एक्सप्लेन करना होता है। तो इसे पूछ रहा है कि भारत में आधुनिक कानून की सर्वोच्च महत्वपूर्ण संस्था सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रभावितों का संविधान है, मतलब तो संविधान का जो भी प्रावधान बनता है, संविधान में क्या सही क्या गलत, उसको किस तरह सुप्रीम कोर्ट पावर उसके अंडर में पावर होता है, तो उसको व्यवस्थित रखें। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो भारत इसको एक्सप्लेन करेंगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय, जो कि रिसेंटली उस टाइम रिसेंटली क्या पिछले साल ही मुद्दे में था, पर्यावरणीय समस्याओं का संवैधानिकीकरण भारत में आधुनिक कानून की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण की रक्षा के महत्व को समझा पहचाना और कई पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान के लिए संविधान के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब भी देखा कि यहाँ पर्यावरण के मुद्दों पर कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट लेता है। तो इसमें मेन बॉडी में हम अब लिखेंगे, फ्लो चार्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्लो चार्ट बनाने से नंबर जल्दी ज्यादा मिलते हैं और थोड़ा टाइम भी बचता है। तो पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानीकरण करने वाली न्यायिक घोषणाएं, आप इस तरह फ्लो चार्ट बनाइए। पहला है प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का अधिकार, दूसरा है प्रदूषण भुगतान सिद्धांत, तीसरा है स्वच्छ वायु का अधिकार और प्रतिपूरक वनारोपण का अधिकार। तो इसके बारे में वन बाय वन जानेंगे आगे। तो पहला है प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का अधिकार। तो यहाँ पर एक केस है सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 में। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में, आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ दिया गया है, एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का अधिकार भी शामिल है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के अधिकार को संवैधानिकता प्रदान की। तो किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है किस तरह से इस चीज को सेफ रख रहा है वो दिया गया है। वहीं प्रदूषण भुगतान सिद्धांत की बात करें तो प्रदूषण भुगतान सिद्धांत में एमसी मेहता बनाम भारत संघ 1986 में सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्ण दायित्व का सिद्धांत पेश किया। इसने निर्धारित किया कि अब खतरनाक उद्योग पर्यावरणीय क्षति के लिए उत्तरदायी होंगे। ये एग्जाम्पल है जो नंबर को बढ़ाते हैं। स्वच्छ वायु का अधिकार की बात करें तो स्वच्छ वायु का अधिकार में नागरिकों के स्वच्छ वायु के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में और एनसीआर क्षेत्र में एमसी मेहता बनाम भारत संघ 2000 बाद में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप पेश किया, जिसने धीरे धीरे औद्योगिक गतिविधियों पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया। वहीं प्रतिपूरक वनारोपण का अधिकार की बात करें तो प्रतिपूरक वनारोपण मतलब फॉरेस्टेशन का अधिकार, इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने वनारोपण के लिए जुटाई गई धनराशि के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रतिपूरक वनीकरण को प्रबंधन योजना प्राधिकरण कैंपा की स्थापना की, जिसके परिणामस्वरूप कैंपा अधिनियम 2016 संबंधी प्रावधान अनिवार्य बन गए। तो ये सारे प्रावधान थे जो कि याद करने इम्पोर्टेंट है, इसी से आंसर इफेक्टिव बनता है। बाकी कंक्लूजन लिखेंगे इतने सारे के बाद, तो ये हो जाएगा। इस प्रकार मौलिक अधिकारों के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकों के पर्यावरण के अधिकार को गरिमामय जीवन के अधिकार के तहत संरक्षित करने के लिए कानूनों
और न्यायिक घोषणाओं के प्रावधान को प्रभावी ढंग से नियोजित किया है। तो इस तरह से छोटा सा कंक्लूजन आप कोई भी दे सकते हैं, अच्छा सा जो भी हो, सारे जो भी मेन बॉडी लिखा है आपने, जो इंट्रो लिखा है उसके बेस पे। तो कंक्लूजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी कंक्लूजन मत छोड़िए, दो लाइन में लिखें लेकिन लिखिए। तो ठीक है, तो ये आंसर कैसा लगा बताइएगा, और ये आंसर राइटिंग सीरीज आपको कितना कितना मोटिवेट कर रही है, और कितना समझने में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, आप बताइएगा जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।